सरिया कॉलेज में इंटरनेशनल कबड्डी में भाग लेने के लिए कुल 12 कबड्डी खिलाड़ियों का चयन किया गया है और जिसके लिए विनोबा भावे द्वारा कुल 11 कॉलेज को खिलाड़ियों के चयन के लिए कबड्डी खेल का आयोजन सरिया स्थित महाविद्यालय में किया गया है। सरिया कॉलेज के प्रिंसिपल संतोष लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरिया कॉलेज सरिया में आयोजित होने वाले अंतर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। खेल में कुल 7 कॉलेजों ने भाग ले पाया है और बाकी के बुधवार को सारे मैच संपन्न कर मुख्य अतिथि बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह के द्वारा विजेता टीमों को तथा चयनित खिलाड़ियों को पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग द्वारा होस्टेड कॉलेज सरिया में अंतर महाविद्यालय पुरुषों का कबड्डी मैच का आयोजन किया जा रहा है। यह मैच 2 दिन के लिए होगी, 24 और 25 को। आज संभवतः सारे नॉकआउट मैच हो जाएंगे और कल सेमीफाइनल और फाइनल मैच किया जाएगा। आज की टीम में जो टोटल है वो 11 कॉलेज है और 11 कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। हमारे सीताराम जी भी साथ में उपस्थित है, हमारे कॉलेज के सचिव भी उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय ने इन्हें सिलेक्शन के लिए भेजा है। इसके बाद यहीं पर कोचिंग कैंप किया जाएगा और यहीं से जो 12 बच्चे चयनित होंगे वो 12 बच्चे ईस्ट जोन टूर्नामेंट के लिए खेलने के लिए बाहर जाएंगे। विश्वविद्यालय का वो प्रतिनिधि।